पंजाब दे विच जिहड़ा बिजली का संकट गहरा हुंदा जा रहा, बिजली संकट ने हाहाकार मचाई हुई आ। इहदे लई सूबा सरकार की नलायकी ते लापरवाही जिम्मेवारी आ। सूबा सरकार की अणगहली के कारण अज सूबा जिहड़ा है वह बिजली के संकट विच ग्रस्त होया। कांग्रेस पार्टी ते सूबा सरकार कुर्सी युद्ध विच रुझे रहे। इस अहम समस्या वल ध्यान नहीं दिता। हुणे हुण पिछले दिनों विच प्रधानमंत्री जी नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब मिल के आए, एक शब्द भी इस संकट ते इस समस्या ते जिक्र तक नहीं किया गया। ये इस गल दे संकेत है कि सूबा सरकार किन्नी अणगहली लापरवाही कोताही सूबे दीआं अहम समस्याओं बारे वरत रही है। और दुख इस गल का कि यह जिहड़ा बिजली का संकट आ, ये खेती दे समाजिक जीवन ते सनती खेतर ते डूंघा असर पा रहा। और सरकार दी लापरवाही ते कताही दा बोझ जिहड़ा पंजाब दे खजाने च पै रहा। अज बिजली जिहड़ी औसतन बिजली रेट प्रति यूनिट 4.45 रुपए आ देश दे विच, हुणे हुण जिहड़ी 14.50 रुपए खरीदी आ कल, 250 करोड़ रुपया यानी बिजली बोर्ड बिजली खरीदण ते वाधू पंजाब दे खजाने च बोझ पै रहा। और जिम्मेवार केवल ते केवल सरकार दी लापरवाही आ। और जिस तरह दे दस्या जा रहा कि प्रहलाद जोशी जी जो कोल मंत्री ने भारत सरकार दे, उन्होंने स्पष्ट किया कि कोले की कमी नहीं है, 430 लाख टन कोला भंडार विच पिया, पर कोला लिजाण वाले है नहीं। कोला लिजाण दे लई जिहड़े मापदंड ने कोयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे, उन्हां दे विच पंजाब सरकार मेल नहीं खा रही। उन्हां दा एक सिस्टम आ कोयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया दा कि पहला उन्हां नूं प्राथमिकता दिंदे ने जिहड़े अडवांस जमा कराउंदे ने सूबे, दूजा उन्हां नूं दिंदे ने जिहड़े तुरत भुगतान करदे ने सूबे, तीजा फिर वारी आउंदी आ जिहड़े डिफाल्टर ने। ते पंजाब करोड़ां रुपए दा डिफाल्टर आ, करोड़ां रुपए दा डिफाल्टर होण करके कोला चुकण दे विच फाड़ी रह जांदा पंजाब कोल भंडारण तों। इस करके असली कोले की जिहड़ी मुख समस्या बनी आ पंजाब दे लई कि डिफाल्टर होना कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया दा सूबा सरकार नूं। और सब तो वड्डी गल इह आ कि बिजली निगम बोर्ड जिहड़ा है उहदी पंजाब सरकार ने 3100 करोड़ रुपया देना, ते 2000 करोड़ रुपया 54 जिहड़े महकमे ने डिपार्टमेंट ने पंजाब सरकार दे 2000 करोड़ रुपया उन्होंने देनदारियां देनियां। बिजली निगम पंजाब सरकार ने डिफाल्टर किया होया, पंजाब सरकार दियां देनदारियां बिजली निगम वल ने, बिजली निगम दियां देनदारियां कोयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया वल ने। इस करके जिहड़े मापदंड ने सेंट्रल अथॉरिटी दे वो पूरे नहीं कर पा रहे। जिहड़े भी साढ़े प्लांट ने मापदंड ये आ भी जे 500 किलोमीटर के अंदर आ कोई थर्मल प्लांट तो उत्थे 20 दिन का कोला लाजमी चाहिए, जे 500 तो लैके 1000 किलोमीटर के अंदर आ कोई थर्मल प्लांट उत्थे 25 दिन का कोला जमा होना चाहिए, जे 1000 किलोमीटर तो वध दूरी ते आ कोई थर्मल प्लांट तो उत्थे 30 दिन का कोला जमा होना चाहिए। ते 1500 तो उत्ते पैंदे ने पर 30 दिन का तो कि 3 दिन का कोला भी नहीं रहा, घंटिया का कोला बचा। और पंजाब हनेरे विच डुबेगा। पंजाब की बासमती अजे 20% बासमती पंजाब दे विच सिंचाई मंग रही आ, अगे नूं कणक की बिजाई ते असर पाएगा। और DAP की किल्लत पंजाब दे अंदर
किसानां नूं जानी बिजली का संकट भी DAP का संकट भी मालिक आउंदियां भविख दियां चुनौतियां का इजहार कर रहा। श्रोमणी अकाली दल जल्दी एक दो दिनों में एमरजेंसी कोर कमेटी की मीटिंग सद के फैसला करेगा। श्रोमणी अकाली दल जे बिजली दे इस हफ्ते च सुधार ना होया, बिजली लई कोयले का प्रबंध ना किया इस हफ्ते दे विच दिनों दे विच, बल्कि क्योंकि जे थर्मल प्लांट बंद हो गए तो कई कई दिन फिर चिमनिया तक सेक जिहड़ा वो गर्म होण दे विच लग जाता, हफ्ता वो बद पै जाता। सो बड़ी संकट आ। सो असीं कहना चाहुंदे आ कि अकाली दल चुप करके नहीं बैठेगा, अकाली दल सुत्ती सरकार नूं हलूणा देण लई सड़कां ते आएगा। जल्दी ही कोर कमेटी की एमरजेंसी मीटिंग करके असीं जनतक रोस दा सरकार ते असर पाउण लई प्रोग्राम देवांगे। उस तो पहलां असीं अज जरूर मीडिया राही पंजाब सरकार नूं जगाउणा चाहुंदे आ, सुचेत करना चाहुंदे आ कि सानू ना बार बार सड़कां ते आना पवे, सानू ना लोगों के खेतों में काम कर रहे लोगों नू सड़कां ते लियाउण लई मजबूर होना पवे। सरकार अपनी ड्यूटी करे, सरकार अपने प्रबंध करे, गैर उपजाऊ खर्चे जिहड़े मौजूदा सरकार ने भी करने शुरू किए ने वो गैर उपजाऊ खर्चे बंद किए जाण पंजाब सरकार वालों, और अपने चाहे कोई गरंटी दे ते पहला तो डिफाल्टर लिस्ट विचों निकल कोयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी चों, ता कि कोला लियाउण जोगरे बन। केंद्र सरकार नूं भी असीं अपील करदे हां कि पंजाब सरकार की नलायकी ते लापरवाही का खमियाजा सूबे दे लोग ना भुगतन ते केंद्र सरकार किसी ना किसी रूप में पंजाब सरकार की मदद से आवे, इन्हां दी नलायकी का इन्हां दी लापरवाही का सूबे के लोगों पर बोझ ना पवे, क्योंकि बिजली अज समाजिक जीवन लिए भी बहुत जरूरी आ। समाजिक वातावरण ऐसा हो गया बिजली तो बिना सरदा नहीं, खेती लिए भी बड़ी जरूरी आ, सनत लिए भी जरूरी आ। सो इसकी अहमियत नूं देखदिआं होइआं केंद्र सरकार नूं सूबा सरकार दीआं नलायकियां ते लापरवाहियां दा नूं अखों परोखे करके सूबा सरकार दी मदद ते आउणा चाहीदा ते कोले दे प्रबंध करने चाहीदे ने। अदरवाइज़ जे यही हालात रही तां श्रोमणी अकाली दल सड़कां ते आएगा, जनतक प्रोग्राम देगा। देखो पिछले दिनों दे विच जिस तरह आप देखिया कदे चार्टर्ड प्लेन लैंदे जा रहे ने, कदे हैलीकॉप्टर दे गेड़े कढ़ाए जा रहे ने, मतलब सारी सरकार जिहड़ी आ ओह कुर्सी युद्ध दे विच एक दूजे नूं लाहुण ते एक दूजे नूं चढ़ाउण दे विच लगी हुई आ। आही त्रासदी आ पंजाब दी कि पिछले समय दे विच जिहड़ी विरोधी धिर आ उहने भी केवल लीडरशिप दे बदला तो बिना, मतलब इन्नी जल्दी तो बंदा कमीज की जाकट नहीं बदलता जिन्नी देर साड़ी मुख विरोधी धिर ने अपने लीडर बदले पिछले 4.5 साल। हुण सरकारी धिर जिहड़ी आ इहने भी मुख्यमंत्री कदे बदल लिया, कदे कोई प्रधान बदल लिया, जानी मुख विरोधी धिर भी ते रूलिंग पार्टी भी केवल अदला बदली करन तो सिवाय होर किसे काम दे विच नहीं।